देखिए पहले क्या होता था, आज से अपन 5 साल पहले की बात करें तो वी नीड टू गिव वेरियस एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। पिछले 5 साल में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अब जितने भी IITs होते हैं, जितनी भी NITs होती हैं, हर स्टेट में एक NITs होती है। IITs की बात की जाए, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो करीब 23 IITs हैं, हर स्टेट में एक NITs हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, करीब करीब हर प्रदेश में 3 से 4 अच्छे गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं। जैसे कि अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो GSITS इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज। इन सभी में एडमिशन के लिए अब आपको अलग अलग एग्ज़ाम के फॉर्म लेने की या उसे फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ JEE मेंस देनी होती है। आप JEE मेंस की एग्ज़ाम देते हैं। JEE मेंस का जो आज पैटर्न है, जो कि टाइम बिंग चेंज भी होता रहता है, बट एज ऑफ नाउ जो JEE मेंस का पैटर्न है वो ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है। कुछ प्रीवियस ईयर साल में 4 बार भी हुई थी, बट अभी जो एज ऑफ नाउ पैटर्न है वो साल में 2 बार होती है। पहली JEE मेंस होती है जनवरी में, टेंटेटिवली जनवरी में होती है, और जो सेकेंड JEE मेंस होती है वो करीब अप्रैल में होती है। ये जो 2 JEE मेंस की एग्ज़ाम्स होती है, इन दोनों एग्ज़ाम को आप दे सकते हो, और अच्छा है आप दोनों एग्ज़ाम को दें, पर इन दोनों में से जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी NTA स्कोर, उसे NTA स्कोर मान लिया जाएगा। और जितने भी सब बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सबके NTA स्कोर फाइनली एक एक्सेल फाइल में कंसिडर करे जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली रैंक लिस्ट तैयार की जाती है। अब जो बात आती है कि क्या JEE मेंस जनवरी में होती है तो क्या सब बच्चे एक ही पेपर देते हैं? ऐसा नहीं होता है। सब बच्चों के अलग अलग स्लॉट्स आते हैं, उसके हिसाब से उन्हें एग्ज़ाम देनी होती है। सेशन 1 हो गया जनवरी में, सेशन 2 हो गया आपका अप्रैल में। जो सेशन 1 होते हैं उसमें अलग अलग डे वाइज एग्ज़ाम होती है, किसी का डे 1, किसी का डे 2, किसी का डे 1 में इवनिंग शिफ्ट आई, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट आई, बट उस डे वालों के अलग परसेंटाइल बनेंगे, अलग डे वालों के अलग परसेंटाइल बनेंगे। तो इसलिए इस बात से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि आपका पेपर टफ आया था। अरे आपका पेपर कभी टफ आया भी था तो आपकी कंपटीशन तो जो उस सेशन में 1 लाख बच्चे हैं, मान लीजिए 8 सेशन हो रहे हैं, अब मान लीजिए 8 स्लॉट है एक सेशन में, तो हर स्लॉट में 1-1 लाख बच्चे, तो उन 1 लाख में आपकी कंपटीशन है, और उसके हिसाब से आपकी उसके परसेंटाइल है। तो टफ था तो उन स्लॉट में सभी के लिए टफ था। तो ओवरऑल कोई पेपर टफ है, कोई पेपर ईजी है, ये कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता है। जहाँ तक JEE की बात है, JEE आपको देनी होती है, फिर उन 8 लाख में से करीब करीब आप ये मान के चलें नियरली 1.5 से 2 लाख बच्चों का JEE एडवांस के लिए सिलेक्शन होता है। और जो JEE एडवांस है उस आधार पे उसकी जो JEE एडवांस होती है वो करीब जून के आसपास होती है, JEE मेंस के अप्रैल सेशन के 2 महीने बाद होती है। और जो JEE एडवांस की एग्ज़ाम है उसके आधार पर रैंक जो बनती है उससे आपको डिफरेंट 23 IITs में एडमिशन मिलता है, और कुछ एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं उनमें भी एडमिशन मिलता है। जहाँ तक NITs की बात है, NITs के एडमिशन सिर्फ और सिर्फ JEE मेंस के आधार पर मिलते हैं। हाँ, आप IIT देना चाहते हैं तो क्या हम JEE मेंस नहीं दें? नहीं, आपको JEE मेंस तो दोनों ही केस में आपको देना है, क्योंकि JEE एडवांस इज अ स्क्रीनिंग, JEE मेंस इज अ स्क्रीनिंग फॉर द JEE एडवांस। तो आपको मेंस तो देना पड़ेगी पड़ेगी। उस मेंस देने के बाद उसमें आप एक पर्टिकुलर परसेंटाइल है वो आप बैरियर क्लियर करते हैं तो ही आप एडवांस की एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो इस तरीके से एक मेंस भी होती है और एक JEE एडवांस होती है, उसके लिए एक ही फॉर्म होता है JEE मेंस का फॉर्म, वो आपको देना पड़ता है। पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके लिए दूसरी एग्ज़ाम्स भी होती है, उसमें से बिट्स भी है, तो बिट सेट करके एग्ज़ाम होती है, वो भी 2 सेशन में पिछले 1-2 साल से होना शुरू हो गई है, तो आप बिट सेट की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर फ्यू मोर प्राइवेट कॉलेजेस, वो डिपेंड करता है आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जब फाइनली एट द एंड आप अपने टीचर से उसके लिए पूछ लीजिएगा कि बाकी एग्ज़ाम जैसे दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट 99% JEE और बिट सेट से आपका ऑलमोस्ट सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस कवर हो जाते हैं।